जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आगरा यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। अभी बीकॉम के कुछ रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उसको लेकर अभी एक अपडेट आया कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट के लिए आज का वीडियो, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस आर्टिकल में आपको दिख रहा होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वेब पंजीकरण बंद हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं BA BSc अंतिम वर्ष का जो परिणाम है वो जारी अभी तक नहीं किया गया। इसके संबंध में यहाँ पर सूचना भी दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक अंतिम वर्ष के सभी परिणाम जारी किए बिना ही प्रवास स्नातक के जो वेब पंजीकरण बंद कर दिए। परिणाम न होने से छात्राओं ने जो है अभी तक वेब पंजीकरण नहीं कराया है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कम छात्र संख्या वाले पाठ्यक्रम यानी कि बीकॉम वोकेशनल बीकॉम अंतिम वर्ष के ही परिणाम जारी किए हैं। सर्वाधिक छात्र संख्या BA और BSc पाठ्यक्रमों में है, अभी उसका परिणाम जारी नहीं हुआ है। मुख्य परीक्षा 20 जून को समाप्त हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक परिणाम जो है जारी नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रवेश समिति के समन्वयक प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह का कहना है कि प्रभारी कुल सचिव कुलपति के आदेश पर स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो है वेब पंजीकरण की प्रक्रिया 31 जुलाई को जो है बंद कर दी गई है। 6 अगस्त से प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी, यानी कि आप सभी लोगों के लिए 6 अगस्त से दोबारा से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 6 अगस्त से पहले पहले आपके जो परिणाम है वो जारी किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये एक हिंट आप समझ सकते हैं, 6 अगस्त के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगी, जो छात्र रह गए हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर ये अपडेट है। हालांकि आप लोग पूरे आंकड़े पर नजर डाल सकते हैं, पूरा आंकड़ा आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। और आप सभी लोगों की यहां पर जो है परीक्षाएं 13 से स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था, आपको जो स्केड्यूल है वो भी यहां पर जारी कर दिया गया है। केंद्र बनाने के लिए मांगी गई है पूरी जानकारी, तो यहां पर ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। आप लोग इस आर्टिकल को हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। MSc प्रथम सेमेस्टर का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। आप लोग यहां पर अपडेट देख पा रहे होंगे, रविवार को देर शाम MSc गणित प्रथम सेमेस्टर के परिणाम को जारी कर दिया है। फिर आगे वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, तो नीचे कमेंट कर दें या फिर इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।